चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधियामी चोरा मेरे मज पम डकण वेर मणि सिखा पदंग समाधि। हम सब समण संघ के सदस्य हैं जो इस समय जुड़े हुए हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं वो भी 130 करोड़ लोग समण संघ के सदस्य हैं। उन सब तक हमें पहुंचना है, और जो बाबा साहेब, अगर हम बाबा साहेब की वैचारिकी की बात करते हैं तो हम बुद्ध की भी वैचारिकी उसमें आ जाती है, उसमें संत रविदास जी की वैचारिकी भी आ जाती है, पेरियार साहब की वैचारिकी आ जाती है, यानी सब संत महापुरुषों की वैचारिकी बाबा साहेब की वैचारिकी और उसके उनके संविधान में जुड़ी हुई है। जो भारतीय संविधान है वो सभी वैचारिकी का एक मेल है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान और सबसे अच्छा संविधान कहा जाता है। जो समण संघ काम कर रहा है, तो मैं नए साथियों को खास तौर से मैं निवेदन करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि जैसे कि अभी एक सज्जन क्वेश्चन कर रहे थे कि ये हमारे बच्चों तक कैसे पहुंचेगा, ये शुरुआत हुई है जो हमारे दादा परदादा जिस काम को किया करते थे, एक साथ बैठने का काम किया करते थे, ये बहुत दिनों बाद शुरुआत हुई है, और निश्चित रूप से ये शुरुआत एक बहुत अच्छी शुरुआत है जो सब तक पहुंचेगी, हमारी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचेगी। ये हमारे बच्चों तक ही नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियां भी इससे सुख प्राप्त करेंगी। बस हमें जुड़ने की जरूरत है। हम जुड़ेंगे तो भारतीय संविधान को 100% जो लागू होना चाहिए, जो अभी तक अगर हमारे हिसाब से देखा जाए, जो हमारे समण संस्कृति के हिसाब से देखा जाए, जो समण लोगों के हिसाब से देखा जाए, तो 10% भी लागू नहीं हुआ है भारतीय संविधान। सही बात। जिस दिन ये संविधान हम 100% लागू करा लेंगे, और वो जुड़ के ही करा सकते हैं, उस दिन इस देश की सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। कोई समस्या बचेगी नहीं इसमें, ना बेरोजगारी की समस्या बचेगी, ना शिक्षा की समस्या बचेगी, ना आतंकवाद की समस्या बचेगी, सारे काम ठीक हो जाएंगे, बस हम जुड़ जाएं। और इस जोड़ने जुड़ने के कार्यक्रम में हम सब लोग अपना भरपूर सहयोग दें। काम क्या करना है? काम सिर्फ इतना करना है कि जो आप यहां पर कंसेप्ट सुनते हैं वही कंसेप्ट अपने समण संघियों को पहुंचाना है। ओबीसी और माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जो हमारे बीच से ही गए हुए लोग हैं, जो दूसरे धर्मों में चले गए, उन लोगों तक हमें अपनी ये बात पहुंचानी है कि ये हमारा संघ है और इसमें कोई भी पैसा नहीं लिया जाता। उनको सबको ये बताने की जरूरत है कि अब तक संगठनों ने जो काम किया है, चंदे का जो धंधा किया है, वो चंदे का धंधा यहाँ पर नहीं किया जाता, क्योंकि यहाँ लोगों को जोड़ा जाता है और लोगों को जोड़ने के लिए कहीं भी पैसे की जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण भी आपने देखा है 2 अप्रैल 2018 को कि जब हम लोग सड़कों पर आए तो उसमें कोई चंदा पर्ची नहीं कटी थी, उसमें कोई नेतृत्व नहीं था किसी का, उसमें हमने अपने दर्द को जाना और वो दर्द समझकर हम सड़कों पर आए, और सड़कों पर आकर हमने दिखा दिया कि ये हमें चाहिए, ये जो संवैधानिक अधिकार है जो हमारा आपने छीना है, ये हमें वापस चाहिए, और हमें वो वापस हुआ। एक दिन के लिए जुड़े थे तो वो अधिकार वापस हो गया। अगर हम ये परमानेंट जुड़ जाएं तो ये भारत का जो संविधान है, जो बाबा साहेब ने सबके सुख के लिए तैयार किया था, जिसमें सभी सुखी रहें, आने वाली पीढ़ियां और सदियों तक जो लोग इस देश में इसी तरह से रहेंगे वो सब सुख में रहें, ये जो नींव बाबा साहेब ने डाली उसको हम धीरे धीरे खोते चले जा रहे हैं, क्योंकि हम जो बाहर से बमण लोग आए उन्होंने तो बांटा हमें 643 जातियों में, लेकिन हमने
हमारे ही लोगों ने हमें 29 लाख संगठनों में बांट कर रख दिया और आज हमारी सुनने वाला कोई नहीं। हम जब देखते हैं कि आज वहां ज्ञापन उस संगठन ने दिया, वो ज्ञापन दिया, उसके उपलक्ष्य में ज्ञापन दिया, डीएम को दिया, मुख्यमंत्री को संबोधित दिया, लेकिन होता क्या है, ढाक के तीन पात, कुछ नहीं मिल पा रहा है, कोई नहीं सुन रहा है। क्योंकि जब चार लोग इकट्ठा होकर किसी बात को कहेंगे तो कोई नहीं सुनने वाला है, जब करोड़ों की संख्या हमारी है तो चार लोगों की कौन सुनेगा। तो आज हम अगर हमें चिंता है तो इस बात की है कि हमारे जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो कैसे इस देश में रहेंगी जब सारे अधिकार हमारे चले जाएंगे, जब संविधान पूरी तरह से निष्प्रभावी कर दिया गया है, संविधान को निष्प्रभावी करके फिर ये बता देंगे कि इसका तो कोई यूज ही नहीं रहा, अब इसकी जगह पर दूसरा संविधान लागू होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे। क्योंकि जब हम अधिकारों के प्रति सचेत नहीं है, हमारे हम रखा नहीं रहे हैं उनको, जो जो बाबा साहेब ने अपने चार चार बच्चों को बलिदान करके हमें दिया, एक एक पल उन्होंने मुश्किल से जिया और अपनी इस एक एक आर्टिकल को इस संविधान में लगाने के लिए कितनी मेहनतें की हैं, कितना प्रमाण दिए हैं, कितने पुस्तकें लेकर उन्हें जाना पड़ता था, कितने संविधानों का अध्ययन किया दुनिया के, और वो सब जब लोगों के सामने एक एक चीज के लिए एक एक आर्टिकल रखने के लिए हजार हजार प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, तो ये लगाकर सोच कर देखिए कि कितना संघर्ष किया है बाबा साहेब ने हमारे लिए। ये संघर्ष हमें बेकार नहीं जाने देना है, उस बलिदान को हमें बेकार नहीं जाने देना है, और समय संगी होकर हमें एक्टिव कार्यकर्ता बनकर हमें सब अधिकारों को वापस लेना है। जो अधिकार छिने हैं हम उनको एक एक को वापस लेंगे अगर हम ये प्रतिज्ञा कर लें और हम ये जुड़ने जोड़ने के कार्यक्रम में लग जाए। सामान्य साथियों, समण संघ में सबसे और एक बढ़िया बात कि यहाँ पर कोई नेता नहीं है, यहाँ पर कोई किसी का पद नहीं है, यानी आप सब लोग समान हैं। फिजिकल मीटिंग भी मैंने देखी, यहाँ पर अमरोहा में मीटिंग हुई, मैं अमरोहा से हूँ, और फिजिकल मीटिंग हुई तो ज्यादातर मीटिंग संगठनों की होती है तो चार पदाधिकारी ऊपर बैठ जाते हैं और बाकी सब आम जनता समझी जाती है और उनको संबोधित किया जाता है, लेकिन यहाँ सब लोग दरी पर बैठे गोला बनाकर, कोई बड़ा ना कोई छोटा। यहाँ पर कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई जिला कमेटी, कोई प्रदेश कमेटी नहीं है, हम सब संघ के लोग बराबर हैं। और हमारा जो नेता है, संघ ही हमारा नेता है, यानी संघ का संघ ही नेता है, और जो हम जिसे हम नेता मानते हैं वो है हमारा भारतीय संविधान, क्योंकि इसी की वजह से हमें सब कुछ मिला है। आज अगर हमारे घरों में कुछ परसेंट हमारे समण लोगों के घरों में अगर खुशहाली है तो वो आरक्षण की वजह से है और वो संविधान की वजह से। जिस दिन दोस्तों ये संविधान खत्म हो गया तो हमारी सांसें मुश्किल हो जाएंगी चलनी, और हमने तो चला ली अपनी जैसे तैसे करके, लेकिन आने वाली पीढ़ियों के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती होगी, ये बहुत बड़ा पहाड़ होगा, वो समझ नहीं पाएंगे उन्हें करना क्या है, क्योंकि उनके सामने तो आपने जो है हमने उन्हें बड़ी सुविधाएं दी, और जब उनके सामने समस्याएं खड़ी होंगी तो हम आप सोच सकते हैं कि कैसे वो सफर कर पाएंगे उन समस्याओं। हमें इसको चिंतन करना है, मनन करना है गंभीरता के साथ। जो भी लोग जोड़ रहे हैं, अभी एक साथी जो हमारे बार बार कह रहे थे कि भाई उनका नाम भी बुलवा लो, उसमें कोई बुराई नहीं है, जो आदमी मेहनत कर रहा है समण संघ को मजबूत बनाने में अपनी मेहनत कर रहा है तो उसका नाम आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो हम इन चीजों के ऊपर नहीं लड़े कि उसका नाम हो रहा है या उसका, हम सब लोग काम करेंगे, सबका काम हो रहा है, इसमें किसी का कोई अहम नहीं टकराना चाहिए कि वो उस आदमी का ज्यादा नाम हो रहा है या उस आदमी का नाम ले रहे हैं। भाई जो आदमी काम कर रहा है उसका नाम सदा हुआ है और सदा होगा, आने वाले समय में भी होगा। तो काम करने वाले आदमी की अगर मीटिंग में चर्चा हो रही है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है, हम सब लोग काम करेंगे तो सबकी ही चर्चा होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सामान्य साथियों, तो अभी 9 बजे कंसेप्ट होने वाला है, तो 9 बज चुके हैं और मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं, और मुझे आपने सुना, मुझे समय दिया गया, मैं इसके लिए
आप संचालकों का धन्यवादी हूँ, श्रद्धेय परिहार साहब ने पारा, मैं उनका धन्यवादी हूँ, धन्यवाद, जय भीम, नमो। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत साधुवाद सर। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धम्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएँ क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Singam Sirunam Gacchami.